करता हूँ। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। और अगर आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे उनके पुराने वीडियोज अगर आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि डेफ एंड ब्लाइंड जो बच्चे हैं या वृद्धाश्रम में, वो आपको ओल्ड एज होम में वो आपको गए हुए हैं उनका वीडियो आपको देखेगा, जहाँ वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक स्टार है और उस हैसियत से वो वहाँ पर है, वो बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान की तरह वहाँ बिहेव कर रहे हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और जहाँ वो ब्लाइंड बच्चे गाना गा रहे हैं और वो किस तरीके से उन्हें हग करते हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। ऐसे गरीब लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन भी चाहते थे बच्चों को, वो नासा ट्रेनिंग के लिए भेज सके। वो पेड़ लगाना चाहते थे, राइटर भी बनना चाहते थे। चंदा मामा दूर के जब वो फिल्म उनको ऑफर हुई थी तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको स्पेस, स्टार और मून, स्काई के में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने बहुत ही महंगा टेलीस्कोप अपने घर में लगवाया हुआ था और वो हर दिन में एक बार जरूर उसे अपनी मून पर ली हुई ज़मीन को वो देखते थे। 2024 में नासा की तरफ से जो स्पेस शिप जाने वाली है उसके लिए वो तैयारी करके भी आए थे कि उसके लिए वो एलिजिबल हो और उनका सिलेक्शन हो उसमें। कोडिंग भी सीखना चाहते थे और वो कोडिंग सीख भी रहे थे। ट्रैवल करने वाली वुमेन्स के साथ में पेपर या न्यूज़ में देखते हैं कि गलत हरकत हुई या उनके साथ कुछ छेड़खानी किया असामाजिक तत्वों ने, तो वो उनको भी सेल्फ डिफेंस का तरीका उनको सिखाना चाहते हैं। 12 ऐसी बड़ी शख्सियत जिनके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। अब मैं बात करूँगी बहुत ही सीरियस मैटर पे कि जो डेथ हुई है वो सुसाइड है या मर्डर है।